दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे डॉट कॉइन पोलका डॉट कॉइन के प्राइस मोमेंट के बारे में। करंटली कॉइन 6.3 यूएसडी से ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर, एक अच्छे खासे ड्रिप के अंदर वापस से इस कॉइन की प्राइस हमें देखने को मिल रही है और वापस से एक अच्छी अपोजिटिव इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। जो लोग एक अच्छे कॉइन के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन के अंदर एंट्री देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट कॉइन है। इस वीडियो हम बात करेंगे कौन से आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं और आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले अगर आपने अभी तक CoinDCX ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से CoinDCX ऐप डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें मिल रहा है 100 रुपीज़ का BTC एज अ साइन अप बोनस और आप अपने दोस्तों को रेफर करके पर रेफरल 100 रुपीज़ का BTC अर्न कर सकते हैं। यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तभी आपको साइन अप बोनस देखने को मिलेगा। ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है, करेंटली ये कॉइन 6.3 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। लोवेस्ट प्राइस की बात करें तो 5.97 वाला एरिया ट्राई किया और जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था उसी एरिया पर ऑलमोस्ट ये कॉइन ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा लेवल है। इसके अलावा डॉट कॉइन की बात करें तो ओवरऑल जो मार्केट कैप है इसकी 6.9 बिलियन है, USDT है और 11th नंबर का ये कॉइन है कॉइन मार्केट कैप पर। एक अच्छा कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, वेब 3 का अगर बात करें तो वेब 3 का टॉप कॉइन है और एक अच्छे कॉइन में अगर आप एंट्री देख रहे हैं, चाहे आपका लॉन्ग टर्म का प्रस्पेक्टिव हो या शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ये कॉइन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। बहुत अच्छा रिकवरी रेट है, अच्छे ऐसा नहीं है कि इसमें सडन फॉल देखने को मिलता है या सडन पंप, ज़्यादा वोलेटिली नहीं है, आपको बहुत कम टाइम में प्रॉफिट भी अच्छा देकर जाएगा, रिकवरी भी अच्छी है इसकी, तो ओवरऑल ये इसके आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। दूसरा मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स या फिर जो जो लोग मैंने वीडियो आपको शेयर किया एंट्री पॉइंट्स ऑफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी कमेंट्स वहाँ पर अगर आपका कमेंट आता है कि सर अब एंट्री ले ले या ये, तो इस टाइप की चीज़ आपका जो कमेंट आता है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं कर रहे हैं। मैंने वीडियो शेयर किया, अभी करेंटली मैंने वीडियो शेयर किया PHB कॉइन का वीडियो शेयर किया है, उसमें ऑफिशियली मैंने एंट्री बताई कि आपको किन किन लेवल्स पर इस कॉइन में एंट्री लेनी है, टारगेट्स क्या रहेंगे। फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं अभी करेंटली ही, आपका कल कमेंट आए या 2 दिन बाद आए, वो चीज़ अलग है, तो इसका मतलब आपने वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं किया। जब तक आप वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं करेंगे पूरी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। एंट्री लेवल्स मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस एरियाज है और टारगेट्स क्या रहेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताता हूँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। करेंटली सपोर्ट एरिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 USDT एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, जिससे ऊपर इसने आज की डेली क्लोजिंग की है और करेंटली भी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। इससे पहले के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो यहाँ पर इसने 6 USDT वाला लो बनाया था जब हमने डाउन ट्रेंड देखा था प्रीवियस उस टाइम पे, और एक अच्छी रिकवरी की थी, 9.6 USDT तक की रिकवरी इस कॉइन में हमें देखने को मिली। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 55 USDT हमें इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, जो कि ऑलमोस्ट 1 ईयर या 1.5 ईयर के टाइम फ्रेम में ये कॉइन ट्राई कर लेगा। एंट्री की अगर बात करें तो देखिए, प्रीवियस जो एरिया था 6 USDT उसको वापस इसने ट्राई किया था, 5.97 वाला लो बनाया था, तो ऑलमोस्ट 6 USDT वाला एरिया एक अच्छा एरिया था जहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट भी करना है कि मार्केट किस टाइप से रिएक्ट करता है, रिकवरी होती है या नहीं होती है, क्योंकि कल शाम को FOMC की मीटिंग थी, अगर उस टाइम पे उससे पहले हम बाई कर लेते, जो कि मैं आपको बिल्कुल बता रहा था कि उससे पहले आपको बाइंग अवॉइड करनी है। तो जो करेंट प्राइस है यानी कि 6.3 USDT, इस पर भी आप एंट्री लेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी और सेफ एंट्री रहेगी, बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस पर। एंट्री आपको 80% पार्ट से लेनी है, क्योंकि हमें वेट करना है सितंबर मंथ जो है, आपको पता है पिछले 5-6 सालों से सितंबर मंथ रेड जोन के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब सितंबर मंथ में जो क्लोजिंग होती है वो नेगेटिव होती है, चाहे 4% का डंप हो या 5% का डंप हो, तो अभी करेंटली तो वही सिचुएशन बनी हुई है। तो क्या चीज़ें हमें इस मंथ के एंड तक देखने को मिलती है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा, या फिर वीकली एंड तक क्या रिकवरी होती है, मार्केट रिकवर होता है, BTC अगर 20,000 से ऊपर चला जाता है तो इसमें भी थोड़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, नहीं जाता है तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिले, तो हमें वेट करना है। और अगर
थोड़ा बहुत फॉल होता है, जैसे 6 USDT वाले एरिया को ये वापस ट्राई करता है या उससे नीचे वाले एरिया को ट्राई करता है, तो ऑलमोस्ट 5.8 USDT का अराउंड में आपको सेकंड एंट्री लेनी, या फिर 6 USDT से नीचे जब भी प्राइस आती है तो जो 20% पार्ट हम बचा रहे हैं उससे आपको सेकंड एंट्री लेनी है। नहीं भी आता वहाँ तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं, वॉलेट में भी अगर आपका रहेगा तो उससे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न नहीं कर लेंगे, लेकिन अगर डिप के अंदर हमें एक अच्छे एरिया पर मिल जाता है तो वो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर जाता है। अब यहाँ से टारगेट्स की अगर बात करें, पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस एरिया की, तो 7.2 USDT वाला एरिया जो है ये इसको रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ से इसको प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था इस एरिया से, और करेंटली भी यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा 7 से लेके 7.4 USDT वाला एरिया, जो कि 100 और 50 डेली मूविंग एवरेज वाला एरिया है ये वाला एरिया, 7.4 से लेके 7.6 USDT वाला एरिया, ये इसको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और जैसे ही इससे ऊपर ये डेली क्लोज करेगा तो ये सपोर्ट की तरह इसको मेंटेन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 8.6 USDT। तो टारगेट से अगर बात करें तो जो लोग क्विक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा 8.3 से लेके 8.5 USDT, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 9.2 USDT, जहां पर आपको 60 और 40 के रेशियो में सेल आउट करना है। 8.3 से लेके 8.5, जहां पर आपको 60% पार सेल आउट करना है, और सेकंड टारगेट रहेगा 9 USDT से लेके 9.2, जहां पर आपको 40% पार सेल आउट करना है। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए टारगेट रहेगा 10 USDT वाला एरिया, 9. जैसे जो प्रीवियस एरिया था 9.7 वहाँ से लेके तो 10 USDT वाला, और लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1 ईयर या 1.5 ईयर का आपका अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो ये कॉइन ऑलमोस्ट 30 USDT से लेके 40 या 45 के बीच में ट्राई करता हुआ उस एरिया पर आपको ट्रेड करता हो देखेगा। हो सकता है अपने ऑल टाइम हाई को भी ये ट्राई कर ले और वहाँ से फिर नीचे की तरफ डंप देखने को, लेकिन उस एरिया पर आपको 30 से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ आराम से दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है ताकि आपको ओवरऑल कोइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप के वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप जरूर फॉलो कर लें ताकि इस टाइप के रेगुलर अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।